नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैं प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि SSC CHSL 2021-22 के एग्ज़ाम में कैसे आप GS के सेक्शन में 35+ स्कोर कर सकते हो। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक GS बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ, और बहुत ज़्यादा बुक मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, और ये जो बचा हुआ टाइम है, जो एक महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है, इसमें आप किस तरीके से स्मार्टली पढ़ो ताकि आप 30+ स्कोर कर सको। अब जो कोई ये कहता है कि 50 स्कोर आप कर सकते हो GS में, तो ये बिल्कुल हवा हवाई बातें हैं। आपको पता होगा कि SSC की GS में एक IAS ऑफिसर को भी अगर आप पेपर उनका पकड़ा दो तो वो 50 स्कोर की गारंटी नहीं ले सकता है कि 50 स्कोर करेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल की यहाँ पे GS पूछी जाती है और काफ़ी डायमेंशनल पूछी जाती है। मतलब कौन सा क्वेश्चन आ जाए किसी को कोई पता नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं ले सकता कि 50 out of 50 स्कोर कर सकते हो, लेकिन हाँ, एक अगर जिन्यून एक अथेंटिक अगर स्कोर माना जाए तो 30+ अगर आप स्कोर करते हो तो आप डिसेंट स्कोर माना जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रीजनिंग और GS सेक्शन, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, यही आपको कहीं ना कहीं जॉब दिलाएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ये सभी को आती है। जो आप बेहतर करोगे, जो औरों से अलग करोगे, जो नंबर इंक्रीज करोगे, वो इसी में करोगे। तो जो भी यहाँ पे चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको ईमानदारी से अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 30+ स्कोर आराम से कर लेंगे। जो बचा हुआ टाइम है उसमें अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ से पढ़ना है, बस उस चीज़ को आप फॉलो कर लो, आप आराम से 30+ स्कोर कर लोगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं लूसेंट आपको बता दूंगा, तो लूसेंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको पता है कि लूसेंट एक महीने में कवर नहीं की जा सकती। या उसके अलावा अभी मैं GS की क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट कर दूँ, मैं मुगल वंश पढ़ाऊँ आपको, तुगलक वंश पढ़ाऊँ, तो वो व्यूज़ मेरे आ सकते हैं, लेकिन आपका इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही फंसेगा आपका। तो कुछ ऐसा पढ़ो जिससे आपको, मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हो उस चीज़ पे, तो उसका कहीं ना कहीं आपको आउटपुट मिले। तो इस वीडियो का जो लक्ष्य है वो यही है कि आपका अल्टीमेटली आपका बेनिफिट होना चाहिए। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊँगा वो बचे हुए टाइम के हिसाब से बताऊँगा। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको इसका रियल आउटपुट मिलेगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके थ्रू आप ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हैं, जैसे लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, ढेर सारे अमेजन के वाउचर हैं, और अनअकैडमी की 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप। अब चूंकि आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, तो अनअकैडमी पे आपका अल्ट्रा कॉम्बैट आपका होने वाला है। आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने इसका PPT लगा दिया है, अल्ट्रा कॉम्बैट आपका होने वाला है, जिसमें 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। जो पैटर्न है वही SSC वाला है, GS, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। और इसमें अगर आप बेहतर स्कोर करते हो, आपको ये देना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ है, ये 24 तारीख को होगा, 24 अप्रैल को दोपहर के 12 बजे से ये लाइव रहेगा, ठीक है। तो लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, और अगर आप इसमें बेहतर स्कोर करते हो, चूँकि आप प्रिपरेशन तो कर रहे हो, तो चेक करिए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। और जो अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर हैं, उन्होंने इसमें जो क्वेश्चन है वो सेट किए हैं। तो आपको इस टेस्ट को देना है, और इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। अब इसमें इनरोल कैसे करेंगे, इनरोल करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे कोड पूछेगा, रेफरल कोड पूछेगा, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है PKB10। PKB10 आप जब यूज़ करेंगे तो आप एनरोल हो जाएंगे। बस ये ध्यान रहे कि ये 24 तारीख को 12 बजे से लाइव रहेगा। तो इस टेस्ट में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, चूँकि प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हैं, तो देखिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे है, और इसके बदले में आपको ढेर सारे प्राइजेस भी मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई कि अनअकैडमी के कॉम्बैट के बारे में, इसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। देखिए, यहाँ पे पहली बात तो जो बुक मैं आपको बताने वाला हूँ उसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसको खुद मैंने इम्प्लीमेंट किया है और फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो बुक आपको पढ़नी है वो, चूँकि लूसेंट वगैरह से आप कवर नहीं कर सकते, आपको पता होगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टारगेट टाइम्स,
इसका जो मंथली पेपर है वो भी निकलता है, उसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके सारा कुछ होता है, ठीक है। तो टारगेट टाइम्स अपनी बुक भी निकालता है, ये रेलवे के लिए मैंने ली थी, इसी तरीके से मैंने एसएससी के लिए भी ली थी। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम मैंने 4 बार क्वालिफाई किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो एसएससी की प्रिपरेशन करता है एस्पिरेंट, वो जीएस में इतना ज़्यादा उसे बहुत ही मतलब सीरियसली नहीं लेता है, और लास्ट टाइम पे ही हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो उसके हिसाब से मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। तो ये टारगेट टाइम्स की बुक है, आप देख पा रहे होंगे इसकी मैंने हालत क्या कर दी है। यहाँ पे खास बात क्या है, जैसे यहाँ पे सामान्य विज्ञान भी मिल जाएगा आपको, इतिहास भी मिल जाएगा, संविधान भी, अर्थव्यवस्था, भूगोल, करंट अफेयर्स, मतलब आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा। उसके अलावा जो पैटर्न है आपका और जितने भी सेक्शन हैं जीएस के, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सारे सेक्शन यहाँ पे कवर किए हो, और वो भी वो क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल भी बताया गया है और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं और आपको चीज़ें याद रहें। इकोनॉमिक्स है तो इस तरीके से दिया हुआ है कि आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, जैसे आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को डिस्कस किया गया है, तो जो आप पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट ही होगा। और ये इतनी पतली बुक है, इसे ईजिली कवर किया जा सकता है, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा जो एसएससी की जो परीक्षाएं हुई हैं अभी तक, उसमें जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उनका भी पीछे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे सेट बना के इस तरीके से, क्योंकि ये रेलवे की है, काफ़ी पुरानी है, तो अभी लेटेस्ट में नहीं आ गई होगी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बैंक है इसमें सारे वही क्वेश्चन हैं जो रिपीटली आपके आते रहते हैं। तो आपको करना क्या है, इस बुक को पढ़ना है, पहला तो इस बुक को पढ़ना है, इससे जितने भी सेक्शन हैं जीएस के, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सबका कुछ ना कुछ आपको पता होगा, और अगर उससे क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप वो क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। एक तो काम आपको ये करना है, ये बुक का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, वाकई में अच्छी, बस नाम ध्यान रखना है आपको, टारगेट टाइम्स, ठीक है, इसकी बुक लेना है। आप उसे बोल देंगे कि सामान्य अध्ययन की मुझे जो लेटेस्ट बुक है टारगेट टाइम्स की वो दे दीजिए, ठीक है। एक काम तो आपको ये करना है कि आपको इस बुक को परचेज करके इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसे पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा और जीएस के क्वेश्चन आपके ईजिली हो जाएंगे। जब टेस्ट सीरीज देंगे आप, जब टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि आपका स्कोर बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा आपको काम क्या करना है, आपको उत्कर्ष क्लासेस के बारे में पता होगा, ठीक है। ये जो चैनल है इसका प्रमोशन फिलहाल, मैं इनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, इनका भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर करके चैनल है, उस पर कुमार गौरव सर की क्लासेस चलती हैं, ठीक है, सुबह 6 बजे। आपको ये मैंडेटरी नहीं कि आप 6 ही बजे पढ़ो, आपको जितने टाइम टाइम मिलता है उस टाइम पे पढ़ो, सिर्फ आपको जितना टाइम आपके पेपर में बचा हुआ है, अगर रेगुलर इस चीज़ को कर लेंगे तब भी आपको बहुत से क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये जो क्लासेस है इसको आपको करना है, और सिर्फ देखना ही नहीं है, इसको करना कैसे, जैसे मान लेते हैं जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि 15 अप्रैल की मैंने क्लास की, तो 15 अप्रैल यहाँ पे मैंने डाल दिया रजिस्टर में 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो वो बताते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ वो मैं यहाँ पे नोट करता रहता हूँ, आपको भी यही करना है। उससे क्या है कि फिर जब दूसरे दिन मान लेते हैं आपने 16 अप्रैल की क्लास ली, तो 15 अप्रैल वाला जो पन्ना है उसको एक बार देख लिया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये 14 अप्रैल की क्लास है तो 14 अप्रैल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से मैंने नोट कर लिए। इसी तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे ये 13 अप्रैल की क्लास है, तो ये करना है, एक पतला सा रजिस्टर लेना है आपको। डेली जो क्लास आप लेंगे उत्कर्ष क्लासेस की, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप 6 ही बजे लो, आप जिस टाइम पे अपना सुइटेबल समझो उस टाइम पे क्लास लो, और रजिस्टर और पेन लेके बैठो, जो इम्पॉर्टेंट बातें वो बताते हैं उनको आप नोट करते रहो। तो बस आपको यही दो काम करने हैं, और बहुत कुछ मैं आपको, मैंने पहले बता दिया था आपको, बहुत कुछ मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। एक आपको टारगेट टाइम्स की बुक लेनी है, उस पर आपको काम करना है, ये समझ लीजिए कि उस बुक को आप 2 बार अगर पढ़ लो, और पढ़ सकते हो जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, अगर आप 2 घंटे भी देते हो डेली, और वो आपको कहाँ बेनिफिट करेगा कि जीएस में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके अलावा आपको उत्कर्ष जो क्लासेस है इसकी क्लासेस देखनी है, जितना बचा हुआ टाइम है वो, और ये आपको इसके नोट्स बनाने हैं। उसके अलावा जो चैनल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, ऑथेंटिक चैनल जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं जीएस के, जो सीजीएल एग्ज़ाम इस टाइम पर चल रहा है, उनको अगर कभी टाइम मिल जाए तो डेली देखते रहो, ताकि आपको जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न पता चलता रहेगा। तो बस इतना आप अगर कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो जीएस के सेक्शन में। बाकी
जो तमाम क्लासेस चल रही हैं और वो है, तो इन सब से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस चीज़ को मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है और उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपने बड़े भाई होने के नाते इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए, और जब आप पेपर दे के आएँगे तो आप खुद, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्पेशली अगर आपको फ़ायदा हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में थैंक्स ज़रूर कमेंट करना आप। तो मेरे तरफ से ये कंप्लीट स्ट्रेटजी थी आपकी जीएस की, जिसके बेसिस पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 30 प्लस स्कोर डेफिनेटली कर सकते हैं, और फिर वो आपके लक पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। स्कोर आप 40 भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। लेकिन अगर आप पढ़ के जाएंगे इतना जो मैंने आपको बताया, तो 30 या उससे ऊपर आप स्कोर ईजिली कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो जो भी बातें मैंने आपके बीच में डिस्कस की उन्हें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।